अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिद्वंदिता की वजह से हथियारों की होड़ नए सिरे से शुरू हो गई है। एक ओर जहां चीन अमेरिकी हथियारों की नकल करके रोज नई नई टेस्टिंग कर रहा है, तो वहीं अमेरिका अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए सुपर वेपन्स पर तेजी से काम कर रहा है। इस बीच खबर आई है कि अमेरिका ने हेलियोस नाम का एक सुपर वेपन बना भी लिया है और इसे यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर USS प्रेबल पर इंस्टॉल कर दिया गया है। हेलियोस एक लेजर गन है और हेलियोस का फुल फॉर्म है हाई एनर्जी लेजर इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलेंस। ये लेजर गन क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ साथ छोटी शिप्स को भी पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। फिलहाल ये लेजर गन 60 किलोवाट की है, लेकिन जल्दी ही इसे अपग्रेड करके 120 किलोवाट तक कर दिया जाएगा। अमेरिकी मिलिट्री ने लेजर हथियारों को डेवलप करने के लिए एक खास प्रोग्राम चला रखा है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि चीन अपने हैकर्स की मदद से इसकी टेक्नोलॉजी चोरी करके खुद का एक डुप्लीकेट हेलियोस बना लेगा। वैसे इन सब पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।